नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस वीडियो के अंदर। ठीक है, आज अपन देखने वाले हैं जो BSTC DLD का जो फॉर्म भरा जाएगा भरा जाता है वो कैसे भरा जाता है, उसके अंदर जो भी डिटेल होगी वो स्टार्ट से लेके एंड तक, पैसे कटने तक, फॉर्म लास्ट सबमिट होने तक क्या क्या प्रोसेस रहेगा वो सारा देखेंगे। उससे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि जो भी डिटेल आप भरो इसके अंदर वो पूरी पूरी एकदम करेक्ट मार्कशीट के देख के, जैसे मार्कशीट में हो वैसा वैसा सेम टू सेम भरना सही रहता है, क्योंकि बाद में इसके आपको दिक्कत नहीं उठानी पड़े। ठीक है, उसके लिए अब यहाँ से आपको स्टार्ट करते हैं अपन फॉर्म भरना, कैसे क्या आपको करना है इसके अंदर। इसके लिए आपको यहाँ पे जो ये वेबसाइट दिख रही है, इस वेबसाइट के अंदर सिंपल सा पहले चला जाना है। ठीक है, उसके बाद में ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये इंटरफेस आने के बाद में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ से नीचे आना है, स्क्रोल डाउन करना है, नीचे आना है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा एप्लीकेशन, एडमिशन एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे क्लिक हेयर अप्लाई और यहाँ पे ये लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे थोड़ा ये प्रोसेस लेगा, इसमें खुलेगा, यहाँ पे ये खुल जाएगा। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है, क्योंकि आप नया नया फॉर्म फिल कर, जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके सामने खुल के आ जाएगा। एंड एप्लीकेशन का नेम भरना है, यहाँ पे मिडल नेम भरना है और उसके बाद में आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर भरना है, फादर नेम, मदर नेम, यहाँ पे बहुत सारा प्रोसेस पड़ा है। ईमेल आईडी जो भी है आपकी, वो ईमेल आईडी जैसी है वो सेम, जिस व्यक्ति की है उसी व्यक्ति की ईमेल आईडी डालनी है। और यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड का यहाँ पे दे रखा है कि 8 से 20 अंक का पासवर्ड होना चाहिए, जिसके अंदर एक अल्फ़ावेट होना चाहिए, एक नंबरिकल वर्ड होना चाहिए और एक स्पेशल लेटर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ से आपको नीचे आपका ये जो कैप्चा दे रखा है ये डालना है। इतना फिल करने के बाद में आपको सिंपल सा किस पे क्लिक करना है, सिंगअप पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सिंगअप पे क्लिक करोगे ये पॉपअप आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम और मोबाइल नंबर बताएंगे। यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सिंपल सा कंफर्म पे क्लिक कर दोगे उसके बाद में आपके सामने ये ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे बोलेगा एक्टिव योर अकाउंट, आपको यहाँ पे एक्टिव योर अकाउंट पे क्लिक कर देना है। को क्लिक करने के बाद में आपका अकाउंट एक्टिव करने के लिए मोबाइल नंबर बोलेगा, मोबाइल नंबर आपको सिंपल से यहाँ पे लगा देने हैं। ठीक है, आपके मोबाइल पे कोड आएगा, OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे आपको लगा देने हैं और फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब आपका सिंपल सा सबमिट हो चुका है, यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक कर देना है। यहाँ आप मेन पेज पे पहुँच जाओगे, यहाँ से आपको सिंग इन पे क्लिक कर देना है और सिंग इन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर लगाने हैं और जो पासवर्ड आपने सेट किए थे वो वाले पासवर्ड आपको लगाने हैं और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे यहाँ पे माई एप्लीकेशन और प्रीव फॉर्म दिखेगा, यहाँ से आप माई एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे और आगे बढ़ोगे और तब यहाँ पे आपको प्रोग्राम नेम चूज करना पड़ेगा। तो प्रोग्राम नेम आपका DLIED है और आप यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करोगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे चेक कर देना है। ठीक है, और एड द प्रोग्राम पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, एप्लीकेशन डिटेल, एप्लीकेशन, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, एजुकेशन डिटेल, कोर्स सेलेक्ट, एग्जाम सेंटर रेफरेंस, प्रीव एड कंफर्म, यहाँ से आपको सारे सारे ये फिल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है अकाउंट डिटेल, यहाँ से जाके अपन अपना अकाउंट डिटेल्स वगैरह, एप्लीकेशन डिटेल्स वगैरह डाल देते हैं, इस पर सिंपल सा क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे अपना नाम जो अपन ने पहले भरे थे आ जाएंगे। यहाँ से अपन कैटेगरी चूज कर लेंगे, जो भी आपकी कैटेगरी हो, ठीक है, वो यहाँ से चूज कर लेंगे। यहाँ से फिजिकल डिसेबिलिटी अगर है तो आप ले सकते हो, नहीं तो फिर नो क्लिक करोगे। यहाँ से आप नेशनलिटी चूज कर लोगे, मेरिट, अनमेरिट, जो भी है। उसके बाद में आपको नेशनलिटी इंडियन वगैरह चूज कर लोगे, उसके बाद मैरिड अनमैरिड चूज कर लोगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे डिफेंस, पर्सनल, सेल्फ वर्ड अगर है तो यस, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, अगर माइनॉरिटी में हो तो यस कर देना, माइनॉरिटी में नहीं हो तो नो करोगे। यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे आधार नंबर लगाने हैं, अगर माइनॉरिटी हो तो उसका सर्टिफिकेट नहीं लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। ठीक है, और उसके बाद में क्वालिफाइंग एग्ज़ाम का आपको बताना है कि कौन सा एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया है।
सीनियर सेकेंडरी पास हो या सीनियर सेकेंडरी अपीयर हो, वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। सीनियर सेकेंडरी पास यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। और संस्कृत विभाग से हो तो यहाँ पे आपको यस करना है, अगर संस्कृत विभाग से नहीं हो तो आपको यहाँ पे नो करना है। उसके बाद में आपको संस्कृत ऑप्शनल इन सीनियर सेकेंडरी, यहाँ पे अगर आप संस्कृत लेना चाहते हो तो यस कर, नहीं तो नो कर दो। संस्कृत अगर आपके सीनियर सेकेंडरी में थी तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है, ठीक है। उसके बाद में है अकाउंट होल्डर पर्सन, अकाउंट होल्डर पर्सन को कौन है, अकाउंट नंबर देना पड़ता है इसमें। इसके आपको अकाउंट जिस बंदे का आपको लगाना है उसका नाम बताना है कि अकाउंट किसका है, कैंडिडेट फादर नेम मदर नेम, तो यहाँ पे कैंडिडेट का, तो कैंडिडेट पे क्लिक करोगे, जिसका है उसका नाम यहाँ पे आप यहाँ पे टाइप करोगे, ठीक है ना। जिस भी बंदे का अकाउंट देना है उसका नाम टाइप करोगे, उसका IFSC कोड जो भी है वो भी यहाँ पे टाइप करोगे। अकाउंट नंबर ऐड हो गए हैं, यहाँ ऐड होने के बाद में आपको यहाँ पे बताना है कि आप कहाँ से हो। तो यहाँ से मैं टाइप करता हूँ आर राजस्थान, तो राजस्थान यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, बोनाफाइड एंटिटी आपका मूल निवास कहाँ पे है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में आपको परमानेंट एड्रेस अपना देना है। एड्रेस में आपको यहाँ पे राम जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे डालना है आपको, ठीक है। गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड वगैरह जो भी है सारा आपको यहाँ पे डालना है। और गार्जियंस का नंबर भी आपको यहाँ पे डालना है। और उसके बाद में रेजिडेंसी एड्रेस और वो सेम है तो यहाँ पे आपको सेम पे क्लिक कर देना है, तो जो भी एड्रेस है वो सेम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सिंपल सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। ये क्लिक करते ही आपका जो आगे का प्रोसेस है वो हो जाएगा। वहाँ यहाँ पे आपको फ़ोटो मांगेगा, फ़ोटो आपको अपलोड कर देनी है, चूज़ फाइल पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से जहाँ पे भी आपकी फ़ाइल होगी फ़ोटो, वहाँ से आप यहाँ से फ़ोटो ले सकते हैं। जैसे मेरे डेस्कटॉप पे है तो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ से फ़ोटो को सेलेक्ट करता हूँ। फ़ोटो साइन और थंब अपलोड कर देना है यहाँ पे आपको, ठीक है। और उसके बाद में अपलोड थंब पे क्लिक कर देना है यहाँ पे, जिससे कि वो थंब अपलोड हो जाएगा। इनके नीचे दे रखा है अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करना है, जिससे फ़ोटो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करना है तो सिग्नेचर यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा आपको। यहाँ से मैं चूज़ कर लेता हूँ ये सिग्नेचर, और यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे तो सिग्नेचर आपका अपलोड हो जाएगा, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है। अब थंब अपलोड करना है तो यहाँ से आपको थंब भी अपलोड कर लेंगे। फोटो साइन और थंब अपलोड होने के बाद में यहाँ पे सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप आगे चले जाओगे जहाँ पे आपको 10th और 12th के आपके जो भी डाटा है वो यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ से 10th और 12th का डाटा फिल करने के बाद में आपको सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक करना है। अगर यहाँ पे आपका रिजल्ट अवेटेड है तो यहाँ पे इस ऑप्शन पे रिजल्ट अवेटेड पे आप क्लिक कर दोगे। उसके बाद आप यहाँ पे सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक करोगे। उसके बाद आप अगले यहाँ पे आपको पॉपअप दिखेगा, ओके पे क्लिक कर देना। उसके बाद आप आगे जाओगे, यहाँ पे आपको जनरल सेलेक्ट करनी है। अगर संस्कृत और जनरल दोनों रखना तो वो रख सकते हो, नहीं तो आप बोथ भी कर सकते हो। आपको आगे के एजुकेशन किस लेवल से, मेनली यहाँ पे जनरल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर चूज़ करने होते हैं। एग्जाम सेंटर के लिए मैं जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है पहले तो वो चूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद पास में जो मेरा डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा वो चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तीसरा, आप ऐसे तीन डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हो, ठीक है, मैंने कर ली है। और उसके बाद नीचे आप सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो आप आगे चले जाओगे। यहाँ पे आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आपको अब फॉर्म देख लेना है। आपका जो भी फॉर्म है उसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं है, नेम, जेंडर कैटेगरी, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, अकाउंट डिटेल भी आपको यहाँ पे देख लेनी है और 10th 12th की डिटेल भी देख लेनी है, सेंटर देख लेना है। अगर पूरा सही है तो आप यहाँ पे आई कन्फर्म पे क्लिक करोगे या चेकबॉक्स पे कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक कर दोगे और यहाँ से ओके पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको वापस प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा आपको पेमेंट कटाने के लिए, ठीक है। आपका पेमेंट 450 लगेगा। यहाँ से गेटवे ICICI बैंक है और यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से आपका पेमेंट होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपको चूज कर लेना, आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, नहीं तो SBI नेट बैंकिंग से करना चाहते हो तो वो कर सकते हो।
उधर नेट बैंकिंग और कोई बैंक से आप नेट बैंकिंग करना चाहते हैं तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। मैं सिंपल सा डेबिट कार्ड पर क्लिक करता हूँ और प्रोसेस टू पे पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको पे नाउ एंड सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद में आपका जो डेबिट कार्ड का डिटेल है वो मांगेगा, ठीक है, वो यहाँ पे आपको भर देना है। आपका जो भी डेबिट कार्ड अगर रुपए है तो सेलेक्ट कर लो, उधर है तो प्रोसेस नाउ पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप आगे यहाँ पे पेमेंट गेटवे पे जाओगे, यहाँ पे आपको जो भी आपका कार्ड का नंबर मंथ सीवीवी जो भी है वो आप यहाँ पे लगाओगे और लगाने के बाद में आप पेमेंट पे क्लिक करोगे तो आपका ओटीपी आएगा और ओटीपी आने के बाद में आप ओटीपी लिखोगे इसके अंदर तो आपका पेमेंट जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा और आप डायरेक्टली जो है वो इसके मेन पेज पे पहुंच जाओगे। मेन पेज पे पहुंचने के बाद में कुछ इस प्रकार से आपको फॉर्म दिखेगा, यहाँ से आपको फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल देना है और प्रिंट आउट के ऊपर आपके पासवर्ड जो है वो भी आपको सेव कर देने हैं, लिख देने हैं ताकि आप भूलो ना, ठीक है, क्योंकि भविष्य में आपको काउंसलिंग करानी पड़ेगी, आपका नंबर आएगा और इस प्रिंट आउट को भी संभाल के रखना है, वापस आपको जमा करवाना पड़ता है, ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप भी DLD VSTC का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अगर अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले वीडियो भी जो भी वैकेंसी वगैरह आती है उसके बारे में जानकारी, उसके फॉर्म कैसे फिलअप होते हैं और भी अनेक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। और भी जानकारी इसी चैनल पे आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आप थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।